आज की कैंपिंग हमारी होने वाली है कब्रिस्तान में। Hey guys, welcome back to my YouTube channel। और आज मैं कहाँ पहुँच गया हूँ यार, आज सीरियसली एक अनप्लान्ड ट्रिप जो है वो होने जा रहा है। बेसिकली मैं चंडीगढ़ से आया था, तो यहाँ पे मैं पठानकोट आया था दसुआ, और प्लान तो कुछ ऐसा था कि भाई आना है, सोना है, उठना है सुबह, लोकल में थोड़ा बहुत घूमेंगे, बट भाई साहब यहाँ कुछ और ही हो गया। रातों रात निकल गए, हिमाचल के बॉर्डर क्रॉस कर लिए, रास्ते में कहीं हमने ब्रेक लिया हुआ है, और यस जा रहे हैं कहीं पे। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत फेमस भी है, बट हम नहीं गए कभी वहाँ पे, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमने रूम ले लिया है, हमने वही रास्ते में कहीं स्टे करा हुआ है, सो सुबह निकलेंगे यहाँ से, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे करीब निकलेंगे। आफ्टर दैट 1.5 घंटे की ड्राइव है, उसके बाद हम लोकेशन पे पहुँचेंगे, फिर देखते हैं उसके बाद। तब तक आप बने रहो, इंजॉय करते रहो इस नए ब्लॉग को। मेरे साथ हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पता नहीं। तो भाई साहब सीन ऐसा है, 7:45 हो चुके हैं, और ये प्लान में ऐसा कुछ नहीं था कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, और अभी मुझे तो ये भी नहीं पता लोकेशन कौन सी है। भाई साहब गाड़ी में घुस चुके हैं, यही लेकर आए, तो मेरे जो भी नियरेस्ट हैं प्लीज़ मेरे को गालियाँ ना निकाले कि प्लान बन गया घूमने चला गया। मेरा कुछ भी इसमें प्लान नहीं है, सब इस बंदे करा हुआ है, तो इसको ही गालियाँ देनी है, ठीक है। सो अभी निकल रहे हैं यहाँ से यार सुबह सुबह, अभी देखते हैं चाय वगैरह पियेंगे, सो अभी आगे रास्ते में रुकते हैं, बिकॉज अभी मन है ड्राइव करने का, अभी मन है सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करने का। सो चलते हैं, आपको व्यू दिखाएंगे, अभी तो व्यू स्टार्ट नहीं हुआ बट शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके, थोड़ा ही दूर है, उसके बाद से तो व्यू स्टार्ट है। सो यार अनप्लान ट्रिप स्टार्ट हो चुका है, क्या कहेंगे इसको, अनप्लान 2.0 2.0। पता नहीं यार, अभी स्टिल अनप्लान ही है, बट हमने एक दो लोकेशन हमने सर्च आउट करी थी रात को, हमने चेक करी थी कि अगर जा रहे हैं तो कहाँ जाएं, तो एक दो लोकेशन पसंद आई हैं। लेट्स सी, थोड़ा सा हाइक होगा, और आई एम श्योर आपको भी लोकेशन पसंद आएगी वो जहाँ पे हम जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी जगह है वो, काफ़ी अच्छी जगह है। थोड़ा सा हाइक होगा, ट्रैक है, आई थिंक 2-2.5 घंटे का ट्रैक हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप सौरभ जी? कुछ नहीं, चलते हैं देखते हैं, मुझे भी वो प्लेस अच्छी लगी है। तो आई एम एक्साइटेड टू, देखते हैं क्या बनता है। और भाई मेरे को गालियां मत निकालना, गालियां इस बंदे को निकालनी है, मेरा कोई प्लान नहीं है, ठीक है, ये सब अनप्लान्ड हो रहा है, बाद में बताऊंगा पूरी स्टोरी। ब्रेक ली है हमने ब्रेकफास्ट के लिए, सुबह सुबह भूख लग रखी है बहुत ज़्यादा, तो पहले कुछ खाते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिखाता हूँ जहाँ पे हमने ब्रेक ली है अभी, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ब्रेक है, अभी खाने के लिए हमने ऑर्डर करा है, जहाँ हमने ब्रेक ली है, काफ़ी अच्छा व्यू है सामने, देखो यार काफ़ी सुंदर पहाड़ है, और कैमरे में शायद नहीं दिख रहा होगा बट उस साइड तो नदी सी भी है जो पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है, और बहुत प्यारी लग रही है, तो कैमरा उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेगा, आई नो दैट, बट आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट, बहुत अच्छा। गाइस फाइनली उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां से अभी हमें पैदल ट्रैक करना पड़ेगा, और 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है, कुछ कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके आपको मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कितने किलोमीटर का ट्रैक है, बट यहां से पैदल है।
सो देखते हैं, अभी हम अपने टेंट वगैरह लेके जा रहे हैं, अगर वहाँ पे जगह मिलेगी तो थोड़ी देर के लिए सेटअप करें। सो गाइज, ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। हमने ये जो जैकेट पहनी है, ठंड करके नहीं पहनी क्योंकि इतनी ठंड तो नहीं है, बट धूप की वजह से, क्योंकि चूड़धार ट्रैक पे जब हम गए थे तो हमने बहुत ज़्यादा सनबर्न एक्सपीरियंस करा है, पूरी हमारी स्किन निकल गई थी, कान पे पपड़ियाँ जम गई थी और बाजू में पूरी स्किन निकल रही थी मतलब। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि डायरेक्टली धूप ना पड़े, उसकी वजह से हमने जैकेट वेयर करी है। सो बाकी ट्रैक स्टार्ट कर दिया है एंड आई थिंक 2 या 2.5 घंटे की हाइक होने वाली है। लेट्स सी कितनी हाइक होती है। कितना टाइम हुआ अभी? 10:30 बज रहे हैं। सो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं ऊपर। सो स्टे ट्यून्ड। जैसे कि ये जंगली एरिया है, यहाँ पे ब्लैक बियर भी मिल सकते हैं आपको अगर आप काफ़ी ज़्यादा हाइक करते हैं, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, तो उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है कि आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, डू एंड डोंट सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये फॉलो करके खुद को बचा सकते हो इनकेस आपके साथ कभी ऐसा कुछ होता है। तो खजियार, वो सामने खजियार है, अराउंड 7 to 8 किलोमीटर। सही व्यू लग रहा है यार, हर कुछ अभी तो हमने साइड है। अब जब हम ये वाला पहाड़ क्रॉस करेंगे तो दूसरा व्यू दिखाएंगे। हम पीर पंजाल की रेंज के बिल्कुल अंडर रहेंगे और आपको व्यू दिखाएंगे जहाँ से अभी हम ड्राइव करके आए हैं। वो माइट भी वो सारा ये वाली जगह है जहाँ से हम क्रॉस करके आए हैं, और अभी हमने सिर्फ एक पहाड़ी क्रॉस करी है, उसके बाद तो अभी डाउन ही चल रहे हैं, मतलब चढ़ाई नहीं है, स्टीप नहीं है, बट देखते हैं बिकॉज हमने टॉप पे जाना है तो अभी तो चढ़ाई शुरू होगी, बट अभी आगे जाके माता का मंदिर है, 400 मीटर यहाँ से दूरी है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कहाँ का व्यू है और कहाँ कितना रास्ता बचता है। और यार सब मेरे सामने देखो यार, आप व्यू मज़ा आ जाएगा आपको, मज़ा गाइस। ये कैमरे में इतना जस्टिफाई नहीं हो रहा, बट यार जो मैं देख रहा हूँ ना यार, इतना प्यारा व्यू है। सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ हैं, हल्का हल्का बर्फ है उस पर, और अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो बर्फ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है सर्दियों में, तो यहाँ भी पड़ती है अभी। आई थिंक बर्फ अभी पड़ी नहीं है बट टॉप पे अभी दिख रही है बर्फ, सो पिछले साल की है, ये पिघलती नहीं है बिकॉज ग्लेशियर है ऊपर। सो काफ़ी अच्छा व्यू है एंड वी आर एंजॉयिंग। सो गाइस, सीढ़ियाँ बनी हैं तो चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम आराम से चढ़ सकते हैं, बट बॉटल ज़रूर कैरी करना पानी की साथ में, बिकॉज अगर आप इस टाइम अगर हाइक करते हो तो आपको ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होगी, जिसकी वजह से आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी हम आई गेस 1 किलोमीटर चल गए हैं तो अभी हमें कुछ ऐसा पानी का कोई स्पॉट, कोई झरना कुछ ऐसा मिला नहीं है, सो इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपने साथ कैरी करके आना यार, जब भी आप इस ट्रैक पे आते हो तो।
कहानी में शायद ही नहीं है, यहाँ से देख लेंगे। कल ये देखो नीचे वाला मंदिर से। कौन सा मंदिर? अब देखो छोटा मंदिर है वहाँ पर, वाली नीचे देखो। हाँ ऐसे मिला। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल पास दिख रहा है यार। ठीक है देख लिया। ये इनको देख रहे, इनको बाद में दिखाते हैं, पहले मुझे दिखा लो आप। ये मनी भेष की लाश, गौर से देखो, गौर से तब नजर टिकेगी ना। ये मनी सही है, रुपए में दर्शन कर लिए तुमने। देखा। इसको बोलते हैं जुगाड़। बिल्कुल। तो देवी और सज्जनों, चलिए आज मनी महेश के दर्शन करते हैं। देखिए ये है मनी महेश, भोले शंकर का जहाँ पे बसेरा है वो है ये ऊंची चोटी। ये है वो ऊंची चोटी। यहाँ से तो कुछ नहीं पता चल रहा। ये है पीर पंजाल। पीर पंजाल गाइस, सामने पीर पंजाल रेंज है सारी ये। और ये देखो ये पर्वत है, अभी हम पीर पंजाल रेंज देखेंगे। अरे वाह यार, बर्फ बर्फ दिख रहा है पूरा नीचे, है ना? पूरे बर्फ है ये। सही है भाई, पूरा बर्फ दिख रहा है, ऐसे पूरी बर्फ की चादर है। एंड ऊपर भी थोड़ा सा बर्फ पड़ा हुआ है, बहुत सही दिख रही है। वो सामने वाले देख रहे हैं ना? जी सर। तो यार ये जो पीर पंजाल की रेंज का जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। वो आपको सामने ग्लेशियर है पूरा दिख, जो ग्लेशियर है जो अभी तो छोटा सा दिख रहा है, बट इसके अंदर पूरी चादर दिख रही है ऐसे पूरी नीचे को, और बहुत ऑसम लग रहा है यार। काश हम आपको दिखा पाते भाई, जो मैंने एक्सपीरियंस करा मैं आपको कैमरे में बता नहीं सकता हूँ, बट मैंने जो एक्सपीरियंस करा ना, इट्स रियली सेटिस्फाइंग। यहाँ से हमने अभी तीन चीज़ें देखी हैं। फर्स्ट, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक मंदिर है। मंदिर किसका मंदिर है वो नीचे? काली माता का मंदिर है जो यहाँ से हमने देखा है, 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके अलावा पीर पंजाल रेंज है सामने। सो ये बर्फ़ से ढकी हुई है, यहाँ से छोटा सा दिख रहा है पॉइंट, बट बहुत ज़्यादा बर्फ़ है अगर आप इसे देखते हो टेलीस्कोप से, तो बहुत बर्फ़ दिख रही है। एंड थर्ड, हमने कैलाश मनी महेश को देखा है जो कि हल्का सा धुंधला था, बट स्टिल दर्शन हो गए हैं। सो इट्स रियली सेटिस्फाइंग, फायदा हो गया आने का यहाँ पे। सो गाइस, अगर आप इस मंदिर में आते हो आप मणि महेश के दर्शन कर सकते हो, सामने पीर पंजाल रेंज है उसके दर्शन कर सकते हो, और नीचे एक और मंदिर है काली माता का उसके दर्शन कर सकते हो, और ये सब आप कर सकते हो टेलीस्कोपिक में। बिल्कुल साफ दिखता है इस पे, और काफ़ी सेटिस्फाइंग व्यू है। सो मैंने तो देखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। सो फायदे हो गए यार आने के। अभी इतना हाइक करके हमें मनी महेश नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से दर्शन हो गए। जाएंगे कभी जब टाइम लगेगा, बट स्टिल यहाँ आके चलो इतना तो कर लिया हमने। क्या बोलता है सौरभ, कैसा लगा तुझे? मज़ा आया। मज़ा आया ना? सही था। ग्लेशियर देख लिया। वो ग्लेशियर ना यहाँ से इतना सा दिख रहा है, बट पूरा इतना इतना बड़ा ग्लेशियर है वो, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा, लग रहा थोड़ी सी चोटी है बर्फ़ की, बहुत बड़ी बर्फ़ की चोटी है यार वो। सो काफ़ी मज़ा आया यार। सो अभी यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा ऊपर पीक पे जाएंगे, वहाँ पे जाके कैंप वगैरह हम सेटअप करेंगे, थोड़ी देर के लिए कैंपिंग करेंगे। एंड वैसे ये डिफेंस एरिया तो यहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं है। सो देखते हैं 1-2 घंटे के लिए, दिन में तो कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ से निकल जाएंगे, फिर खजियार जाएंगे, खजियार देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या नज़ारा है। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज हम जो कैंप करने वाले हैं ना, पता कहाँ करने वाले हैं? नहीं कर रहा हूँ, लेट मी शो यू कि हम लोग कब्रिस्तान में कैंपिंग करने वाले हैं। अभी लोकल से हमने सुना है कि यहाँ पे कब्रिस्तान बना हुआ है, और ये बीच बीच में छोटे छोटे मेडो हैं, और सामने दिखाता हूँ आपको मैं कब्रिस्तान कहाँ है। मेरे हिसाब से यही कब्रिस्तान है। अभी तो काफ़ी दूर है, जाके आपको पास से दिखाऊंगा। तो वहाँ पे हम लोग
कैंपिंग करेंगे थोड़ी देर। हम लोग 2-3 घंटे के लिए कैंपिंग करने वाले हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है, सारी हमें पीर पंजाल रेंज दिख रही है। सो देखते हैं आगे जाके, छोटा सा मेडो मुझे दिख रहा है, वहाँ पे जाके कैंप करते हैं एंड देन फिर आपको मैं इस ट्रैक के बारे में सारी डिटेल से इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस ट्रैक पे आप कैसे आ सकते हैं, किस रूट से आ सकते हैं और ये बेसिकली ट्रैक कितना है। ओके सो बने रहिए। आज की कैंपिंग हमारी होने वाली है कब्रिस्तान में, मजाक। सो गाइस, ये है वो कब्रिस्तान जहाँ पे हम आए हैं। सो ठीक है यार, कब्रिस्तान है। उसके साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से आपको कैलाश मणिमहेश का पर्वत भी दिखता है, जो कि अभी धुंधला सा दिख रहा है, इतना कैमरे में साफ नहीं दिखेगा, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ जो पीस है ना यार, और ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अभी तो धूप है बट स्टिल इतनी फील नहीं हो रही है बिकॉज ठंडी हवा है, तो उसकी वजह से इतनी फील नहीं हो रही है। अभी हम जिस पॉइंट पे बिल्कुल टॉप है ये, और ये अराउंड 10,000 फीट सी लेवल से इसकी हाइट है, इतना एलिवेशन है ये, और बहुत ही प्यारा व्यू है यार। मैं आपको इसका 360 व्यू दिखाता हूँ, आप देखिए, बहुत ही प्यारा है यार। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हम जो आए हैं वो बेसिकली हम डलहौजी से होके आए हैं। डलहौजी से डैनकुंड के लिए रास्ता है, बोर्ड लगे हैं तो बोर्ड पढ़ के आप फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ से डायरेक्टली आके आप इस लोकेशन पे पहुँच सकते हो। और ट्रैक के लिए आपको आधे घर घंटे का ट्रैक है, ज़्यादा ट्रैक नहीं है, बिकॉज बेसिकली ये जो जगह फेमस है वो माता का मंदिर है यहाँ, और माता के मंदिर के लिए बेसिकली लोग यहाँ पे आते हैं। बट हम यहाँ से हमने थोड़ा सा हाइक करके, उसके साथ ही थोड़े मेडो हैं ये, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। हमने यहाँ पे अपना टेंट वगैरह सेटअप करा है। वैसे तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, आप बिना परमिशन के टेंट सेटअप नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो डैनकुंड जगह है बेसिकली ये आर्मी एरिया है, और ये सारा जो जहाँ पे अभी हम हैं, क्योंकि मैंने लोकल से कंफर्म करा तो उन्होंने आपको पहले परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है यहाँ रुकने के लिए। तो हमने अभी 2-3 घंटे के लिए यहाँ स्टे करना है, आफ्टर दैट हम यहाँ से चले जाएँगे। बट यहाँ का जो व्यू है ना यार, एक नंबर। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, आप मेरे सामने बिल्कुल देख रहे होंगे, नीचे नीचे ये ग्राउंड दिख रहा है, तो ये है मिनी स्विट्जरलैंड, टूरिस्ट फेमस डेस्टिनेशन। जी हाँ, खजियार जगह है ये, और इस साइड से भी आप हाइक करके इस पॉइंट पे पहुंच सकते हो, बट यहाँ से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से अगर आप आते हो तो आपको 1.5-2 घंटे का हाइक करना पड़ेगा, बिकॉज ये बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, और वो खजियार हमें छोटा सा दिख रहा है यहाँ से। सो ये दो रास्ते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डायरेक्टली खजियार पहुँच गए, वहाँ से आपको यहाँ पे पहुँचना है, तो आपको ज़्यादा हाइक करना पड़ेगा, और अगर आप डलहौजी से डैनकुंड के लिए आते हो तो आपको कम हाइक करना पड़ेगा। सो आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी व्यू तो बहुत प्यारा है, यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे है। सो अभी थोड़ी देर हम रुकेंगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बट फिलहाल तो यहीं पे हम स्टे कर रहे हैं 2-3 घंटे के लिए एटलीस्ट, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। विल अपडेट यू। सो गाइज यार, अभी इस प्यारी सी जगह को अलविदा कहने का टाइम आ गया है,
अभी हम यहाँ से अपना टेंट वगैरह पैक करके वापस जा रहे हैं और यहीं पे हम स्टे करेंगे। माइट भी खजियार में भी कर सकते हैं, डलहौजी में करेंगे, देखते हैं। सब कुछ अनप्लान्ड है तो उसके लिए हम डिसाइड करेंगे, सोचेंगे। अभी तो भूख लग रखी है बिकॉज कुछ सुबह से खाया नहीं है, तो कुछ पहले खा लेते हैं ऊपर जाके, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे रुकना है। बिकॉज हम यहाँ पे आज फुल नाइट रुकने वाले हैं एंड कल हम दिन तक यहाँ से निकलेंगे। सो ठीक है, अभी मिलते हैं रास्ते में। अभी जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे दिखाता हूँ कैसा व्यू है और क्या लोकेशन है। बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यार, बिकॉज यहाँ पे इतनी पीस है और मुझे बहुत अच्छी लगी ये जगह। कमेंट करके बताओ अगर आपको ये जगह पसंद आई है तो। रात को काफ़ी ठंड पड़ती होगी यहाँ पे क्योंकि टॉप पे है तो हवा ही बहुत चल रही है रात को। तो इसमें तो ये आ गई हमारी सैंडविच, वेज सैंडविच। बहुत भूख लग रखी है। सो क्या, हाँ लिया, एक लिया, एक और लिया। सो ये खा लेते हो फिर बात करते हैं। नजारे जो कि है बहुत ही प्यारे, देखिए ये दिखाइए वाला।